जिसको कहते हैं चढ़ती कला का क्या मतलब है, खुशी। खुशी तब होती है जब कोई चीज बढ़ती है। अगर आपकी कोई चीज बढ़ती नहीं है, चाहे वो कितनी भी बढ़िया चीज हो, आपको सुख मिल सकता है, खुशी नहीं मिल सकती। ये सोचने की बात है। देवता सुखी होते हैं या खुश रहते हैं, बताओ? देवताओं
आपने एक और बात देखी होगी, जब कैसे किसी बिल्डिंग की नींव खोदी जाती है, किसी बिल्डिंग का आधारशिला रखा जाता है, तो क्या करते हैं? आपने देखा होगा थोड़े से धनिया, थोड़े से चावल, हाँ जी, थोड़ी सी हल्दी, एक थोड़ा सा सोने का टुकड़ा या चांदी का उस पर डालते हैं। देखा ना, इसका क्या मतलब हुआ? उस बिल्डिंग का धनिए से क्या तल्लक है, और उस बिल्डिंग का चावल से क्या तल्लक है, और उस बिल्डिंग का सोने के तार से या पत्थरे से क्या तल्लक है? ये भी बाबा कहता है आपका यादगार कि मेरे ब्राह्मण बच्चों ने जब नई दुनिया की बिल्डिंग की फाउंडेशन लगाई गई थी, तो मेरे बच्चों ने सुदामा की तरह थोड़े से चावल डाले थे, थोड़ा सा उसमें धन लगाया, उस आधार पे वो सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। आपको ताली बजानी चाहिए। हमारे उस छोटी सी बाबा के तक चावल थोड़ा सा डाला, महल मिल गया, तो ये कहाँ से हो गया? उस वक्त जरूरत है कि सारी दुनिया अपना तन मन धन विनाश की तरफ लगा रही, विनाशी चीजों की तरफ लगा रही, और बाबा के बच्चे चढ़ती कला वाले उसमें लगा रहे, तो अति इंद्रिय सुख किसको होगा? अगर आप उस धन से कोई लौकिक चीज ले भी लेंगे, उसमें होगा क्या? जो आपने बाबा के कार्य में अपना उंगली लगाई, उसमें होगा। इसलिए अति इंद्रिय सुख केवल और केवल संगम